हेलो एंड वेलकम बैक टू ए टू जेड ऑनलाइन अनबॉक्सिंग। तो फ्रेंड्स, आज ये पैकेट जो है इसका हम अनबॉक्सिंग ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ये जो पैकेट है इसको हम फिर से जो इनर पैकेट है उसका अनबॉक्सिंग करेंगे। और इसमें एक इमरजेंसी लाइट है जो कि रेनी सीजन में काफ़ी आपको हेल्पफुल हो सकता है। तो इसका अनबॉक्सिंग करके इसका तीन चीज़ों के ऊपर बेसिकली हम बात करेंगे। एक तो है बिल्ड क्वालिटी, नंबर टू है परफॉर्मेंस कैसा है इसका, और नंबर थ्री है कि इसको आपको परचेज करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, शुड यू परचेज इट और नॉट। तो चलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, एक आइडिया आपको क्लियर हो जाएगा कि ये प्रोडक्ट आपको लेना चाहिए या नहीं, और इसका परफॉर्मेंस कैसा है, बिल्ड क्वालिटी कैसा है, तो ये एक वैल्यू फॉर मनी बाय है कि नहीं है, तो पूरा वीडियो देखिएगा। तो चलिए, कुछ इस तरह का ये पैकेट मिल जाता है आपको। आई भास्कर यहाँ पर लिखा हुआ है, ये जो ट्यूबलाइट इसका जो इल्यूमिनेशन का पॉइंट है ये है, ये टी ट्यूब है, टी वाला ट्यूब, और एलईडी है 360 डिग्री हैवी एसएमडी रिचार्जेबल, ये कुछ इस तरह का स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है यहाँ पर। इधर देखिए, आइडियल फॉर जो लिखा हुआ है कि माउंटेन क्लाइंबिंग, कैंपिंग, केव्स एक्सप्लोरिंग, हाइकिंग फॉर रियल एक्सप्लोरिंग। माइक्रो यूएसबी चार्जिंग का केबल भी इसमें दिया हुआ है जिससे आप इसको चार्ज कर सकते हैं। और यहाँ पे मेक इन इंडिया का बैजिंग दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ एंड्रॉयड चार्जर से आप 3 घंटे तक अधिक चार्ज ना करें, कुछ इस तरह से आप इसको पॉज करके जूम करके पढ़ सकते हैं। तो चलिए इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। वह तो इस तरह का वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, अनबॉक्सिंग जो डे टू डे लाइफ में यूज़फुल होता है, तो उसका अनबॉक्सिंग मैं करता रहता हूँ। मैं खुद से ये परचेज़ करता करके आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ, तो ये कोई बास्ट वीडियो या फिर स्पॉन्सर्ड तो नहीं है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर इसी तरह का वीडियोस आपको देखना पसंद है, और लाइक बटन अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं, ये कुछ इस तरह का प्लास्टिक से रैपर में रैप किया हुआ है, इसको हम अनरैप करेंगे इसको। तो देखने में कुछ इस तरह से ये फ्रंट साइड से है, साइड व्यू ये है, बैक व्यू ये है, यहाँ पे क्लिप दिया हुआ है, इसको मैं इस तरह से टांग सकता हूँ, ये देखिए साइड व्यू, नीचे का व्यू, ऊपर का व्यू, तो कुछ इस तरह से ये आपको मिल जाता है। और इसका फंक्शनलिटी मैं आपको दिखा दूँगा। और इसके साथ आपको मिलता है ये वाला माइक्रो यूएसबी वाला चार्जिंग केबल आपको मिलता है, जो आपका जो पुराना वाला फ़ोन होता है तो उसमें इस तरह का केबल रहता है, इससे आप आपका फ़ोन का जो एडाप्टर है उसमें इसको इनपुट करके आप इससे चार्जिंग कर सकते हैं उसको। तो चलिए इसको पहले ये प्लास्टिक से बाहर निकालते हैं, बिल्ड क्वालिटी पहले हम इसका चेक करेंगे। तो अभी देखिए, यहाँ पे ट्यूबलाइट है, टी ट्यूब है, ये टी की तरह ये शेप है, इसलिए इसको टी ट्यूब कहा जाता है। तो ये प्लास्टिक है, ये भी प्लास्टिक है, ऑल ओवर ये पूरा प्लास्टिक है जो आप देख रहे हैं। यहाँ पे जो पैनल है ये सोलर चार्जिंग पैनल है, अगर आपके रेनी सीजन में इलेक्ट्रिसिटी चला जाता है तो आपको चार्जिंग के लिए इसको बाहर रखने से काफ़ी फ़ायदा आपको हो सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं चार्ज करने का, यहाँ पे जो इनपुट है वो वाला दिया हुआ है, चार्जिंग एलईडी है यहाँ पे, जब तक ये चार्ज होगा ये ब्लिंक करता रहेगा ये चार्जिंग एलईडी। और ये इसका एक रोटरी स्विच है जिसको आप घुमा के इसको ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। और इसका इंटेंसिटी लेवल 1 से 7 या 8 तक है, तो आपने हिसाब से आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा बात है। और ये बॉक्स है जो ये प्लास्टिक का है पूरा, पीछे की तरफ आई भास्कर का वेजिंग यहाँ पे है, ये एक टांगने के लिए फिर भी एक स्क्रू के लिए दिया हुआ है खांचा, ये आप टांग सकते हैं। अब इसके बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करूँ तो ये वाला जो हैंगर है ये थोड़ा और मजबूत हो सकता था, ऐसे कुछ आपको दिक्कत नहीं आएगा क्योंकि ये टांगना ही तो है, तो फिर भी ये थोड़ा मजबूत होता तो और भी अच्छा होता। बाकी यहाँ का जो फिक्स्चर है ये काफ़ी ठीक ठाक है, देखने में भी ठीक ठाक रहता है। तो चलिए, बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से इसको
बहुत ज़्यादा कुछ हाई बिल्ड क्वालिटी वो तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ काम चलाओ है, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगा। इसको आप, एक बात है कि इसको आप इस तरह से खड़ा नहीं कर सकते हैं, अगर हो जाए तो इतना है, थोड़ा सा टच अगर इसमें होगा तो ये गिर जाएगा, तो स्टैंड आप इसको नहीं मिलेगा, आपको इसी तरह से टांगना होगा इसको। तो बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से चलिए ठीक ठाक सा है। अभी इसका परफॉर्मेंस हम चेक करेंगे। एक बात मैं कह देता हूँ कि इसको मैंने परचेज़ किया 5 अप्रैल को 23 में, आज इसका अनबॉक्स कर रहा हूँ, आज है 5 जून है। तो एक बार मैंने इसको चार्ज दिया 2 या 3 दिन पहले, लेकिन जब से ये डिलीवर्ड हुआ है मैंने इसको चार्ज नहीं किया, फिर भी इसका स्टैंड बाय टाइम काफ़ी अच्छा था। जब मैंने इसको 5 अप्रैल, मार्च अप्रैल, जून, मई, जून, जब मैंने जून में इसको ऑन किया तो फिर भी ये काफ़ी ब्राइटली ये इल्यूमिनेट हो रहा था। तो इसका कहने का मतलब यही है कि इसका बैकअप अच्छा होगा शायद। लेट्स कीप आवर फिंगर क्रॉस्ड कि इसका जो बैकअप है काफ़ी अच्छा होगा। तो अभी चलिए इसका बटन को, ये देखिए, तो कैमरे में शायद आपको पता चले या ना चले, हाथ से देख सकते हैं, ये जो लाइट है ना, ये येलो येलो लाइट है, इसको ये कह रहे हैं कि नाइट बल्ब के हिसाब से आप इसको काम करवा सकते हैं अगर ज़रूरत होगा तो। मैं कहूँगा कि ये काफ़ी आई सुदिन तो नहीं है, ये काफ़ी आँखों में आपकी जो चुभेगा, तो इसके लिए नाइट बल्ब इसको आप यूज़ कर नहीं सकते। तो हाँ, थोड़ा सा लो लेवल में इल्यूमिनेट कर सकते हैं ताकि बैटरी बैकअप ज़्यादा मिले। ये एक नंबर हो गया। दो, वाइट लाइट, इससे नंबर 2 से वाइट लाइट शुरू हो जाता है, इंटेंसिटी के हिसाब से ये बढ़ता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा। 3, 4, 5, 6, 7, 7, तो 7 तक ये जाएगा। अभी 7 का मतलब इस ये फुल ब्राइटनेस में है, एकदम पूरा ब्राइटनेस में है। अभी ये जो रूम है मैं पूरा इसको डार्क कर दूंगा, उसके बाद इसका इंटेंसिटी को चेक करवाऊंगा आपको। तो अभी तो मैं जो देख पा रहा हूँ कैमरे के बाहर से, तो इसका इंटेंसिटी काफ़ी अच्छा है। एक रूम के लिए 10 बाय 10 या 10 बाय 12 के रूम के लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा, पढ़ने के लिए भी आपको हेल्पफुल रहेगा अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ने के लिए भी, स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी अच्छा है। कैंपिंग पे जा सकते हैं आप, या फिर किसी भी हाउस होल्ड वर्क के लिए जहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, काफ़ी यूज़फुल ये रहेगा। और इसका प्राइस भी ज़्यादा नहीं है, लास्ट में आप देखते रहिए, इसका प्राइस मैं स्क्रीन में दे दूंगा कि कितने में मैंने इसको परचेज़ किया है। तो ये 7th इंटेंसिटी लेवल में है, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ये येलो कलर हो गया अभी, और एक बार ऑफ। तो इस तरह से 1 से 7 तक आप इसका इंटेंसिटी बढ़ा या इंक्रीज या डिक्रीज आप कर सकते हैं। तो काफ़ी एक ह्यूज आपको मिल जाता है, एक क्या कहूँगा मैं उसको, एक लंबा सा आपको 1 to 7 पॉइंट मिल जाता है रेगुलेशन के लिए, रेगुलेशन जिससे आप इसका इंटेंसिटी बढ़ा या घटा सकते हैं। ठीक है, तो इसके लेवल से आपको बैटरी बैकअप भी उस तरह से ज़्यादा या कम मिलेगा। आप मान लीजिएगा 7th पॉइंट पे इसको जला रहे हैं तो बैटरी बैकअप कम हो जाएगा। ठीक इसी हिसाब से आप इसको लेवल 3 पे इल्यूमिनेट कर रहे हैं तो बैटरी बैकअप आपको ज़्यादा मिल जाएगा। इस तरह से ये काम करता है, तो सिंपल सा चीज़ है। तो इसका परफॉर्मेंस वाइज अभी जितना मैंने इसको चेक किया काफ़ी अच्छा है, प्राइस के हिसाब से, आप कीप दिस इन माइंड, प्राइस के हिसाब से मैं कह रहा हूँ, क्योंकि जो भी इमरजेंसी लैंटर्न आपको ऑनलाइन मिल जाएगा तो उसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा रहता है, 700, 800, 900, 1000, अभी ब्रांडेड फ्लिप्स लेंगे तो 1000 से ऊपर हो जाएगा। तो उस हिसाब से इसका जो परफॉर्मेंस है काफ़ी अच्छा है। अभी इसको परफॉर्मेंस को मैं दिखाता हूँ आपको, ये जो रूम का इल्यूमिनेशन लाइट जो है इसको मैं पूरा डार्क कर देता हूँ, ठीक है, लाइट ऑफ कर देता हूँ, उसके बाद मैं चेक कराता हूँ। तो देखिए, नाउ यू कैन सी द रूम इज़ फुली डार्क, सो लेट्स स्टार्ट, रेडी 1। ये देखिए अभी 1 लेवल पे है, ये येलो लाइट है, ये येलो लाइट है। देखिए कैमरा को, ये देखिए,
कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है अभी अभी एकदम लोएस्ट लेवल पे है ये। चलिए इसको बढ़ा के देखते हैं। नंबर टू अभी वाइट लाइट है। चलिए फोन को स्टैंड पे रखते हैं, उसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए तो अभी ये पॉइंट टू पे है, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ये मैक्सिमम इंटेंसिटी पे अभी है ये, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरह से इल्यूमिनेशन होगा। ये देखिए ये 10x10 का एक रूम है, तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं 10x10 के एक रूम के हिसाब से ये कैसा, ये देखिए इल्यूमिनेशन दे रहा है। देखिए कुछ इस तरह का इल्यूमिनेशन ये देगा, तो एक रूम के हिसाब से ये 10x10 का काफ़ी अच्छा है। सेवेंथ इंटेंसिटी में अब इसको चलिए डिक्रीज करते हैं, ये आपको देखने में हेल्प करेगा। चलिए देखते हैं, सिक्स ये सेवन है, सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन, ये येलो लाइट है। तो चलिए कुछ इस तरह का इसका परफॉर्मेंस आपको मिल जाता है, तो वो काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री है। अगर इलेक्ट्रिसिटी आपके वहाँ पे कट हो जाता है स्पेशली इन रेनी सीजन, तो ये काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो इस हिसाब से इसका परचेज बाइंग लिंक है जो मैं आपको दे दूंगा। तो चलिए लाइट काउंट कर लेते हैं। तो बाइंग लिंक मैं आपको दे दूंगा, वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं। तो अभी फाइनल वर्डिक्ट ये आपको परचेज़ करना चाहिए या नहीं, तो मैं तो कहूँगा कि जिसके प्राइस के हिसाब से है 400 समथिंग में मैंने इसको परचेज़ किया था, जो भी इसका एक्चुअल प्राइस मैंने पाया था तो वो मैं स्क्रीन पे दे दूंगा, आप देख पा रहे होंगे अभी। और इसका बाइंग लिंक भी रहेगा, आप चेक कर लीजिएगा कि फ़िलहाल इसका प्राइस कितना चल रहा है। तो 400 समथिंग में इसको 60-70-80 में इसको मैंने ख़रीदा था, तो उसके हिसाब से तो काफ़ी अच्छा है। अकॉर्डिंग टू प्राइस ये वैल्यू फॉर मनी बाय है। अगर आपको लगता है ये परचेज़ आप करना चाहते हैं, एक डेली यूटिलिटी है, तो आप श्योर इसके लिए जा सकते हैं। काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बढ़िया है, इसका परफॉर्मेंस आपको हैप्पी करेगा। तो चलिए आज तो फिलहाल इतने तक। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अब तक देख चुके हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर अच्छा नहीं लगे तो आप लाइक ना भी कर सकते हैं। तो चलिए दैट्स ऑल फॉर नाउ फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे और एक वीडियो के साथ। तो कीप अप, चलिए बाय बाय।